जनपद मथुरा के थाना हाईवे इलाके में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी ने एक गरीब दुकानदार को इतना पीटा कि उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई और दुकानदार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पुलिसकर्मी से गुटके के पैसे मांग लिए। बस इसी बात पर पुलिसकर्मी ने दुकानदार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसे इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने धौली प्याऊ क्षेत्र में मृतक का शव रखकर जमकर हंगामा काटा और प्रशासन से 50 लाख रुपए की सहायता राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की, साथ ही पुलिसकर्मी के ऊपर कार्यवाही की मांग की। हम आपको बता दें कि थाना हाईवे इलाके के धौली प्याऊ क्षेत्र में नटवन नगर फाटक के पास राहुल बंसल की चाय और पान मसाले की दुकान है। बताया जा रहा है फिरोजाबाद पुलिस में तैनात सिपाही योगेंद्र चौधरी ने राहुल बंसल की दुकान से गुटखा लेकर खा लिया। जब राहुल बंसल ने उससे पैसे मांगे तो पैसा देने में आनाकानी करते हुए दुकानदार को गाली देने लगा, जिसका विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने राहुल की पिटाई कर दी। अपने बचाव में राहुल बंसल ने सिपाही में भी दो चार थप्पड़ जड़ दिए, जिस पर पुलिसकर्मी ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। मौके पर आई पीआरवी ने राहुल बंसल और उसके भाई को सिपाही के कहने पर गाड़ी में बिठा लिया और थाना हाईवे ले गए, जहां पुलिस ने विपिन को तो उसी समय छोड़ दिया लेकिन राहुल की थाने में पिटाई की गई। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वो थाना हाईवे पहुंचे, जिस पर राहुल को छोड़ दिया गया। थाने से निकलते ही राहुल को खून की उल्टियां हुई। राहुल को गंभीर हालत में मथुरा के एक स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर हालत गंभीर होने पर उसे मथुरा के नियति हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां के भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद परिजनों द्वारा राहुल बंसल को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। इस घटना के संदर्भ में मृतक की मां पूनम बंसल ने एसएसपी से मुलाकात कर नामजद पुलिसकर्मी सहित थाना हाईवे के अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है। मेरा पायल पायल, क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? कल परसों चाय की दुकान में शाम को उन्होंने गुटखा मांगा, कोई पुलिस वाला था, वो उसके संग में दो आदमी वो था और एक था, तो पैसे ना देने पे उनने गाली गलौज करी, फिर मारा पीटी भी करी है, मारा पीटी एक मिनट, फिर मारा पीटी करने के बाद उन्होंने 100 नंबर की पुलिस भी ला ली। उतने में हमारे एक भैया भी आ गए, विपिन बंसल, वो भी आ गए, उन्होंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी मारा था, 100 नंबर की गाड़ी भी थी और उन्होंने वहाँ पे जाके पुलिस वालों ने इनके सामने उन भैया को फिर मारे, वहाँ पे थाने पे ले जाके लिया। उसके बाद में ये वहाँ पे आ गए, मेरे पास फोन आता है मेरी जेठानी का कि पायल ऐसे ऐसे वाली बात हो, मैं तुरंत जाती हूँ, इनको मैंने अंदर नहीं जानती, मैं आप अंदर मत जाओ, अभी कोई बात हो गई तुमसे फिर तुम्हें भी वो करेंगे, मैं अंदर जाती हूँ। बोले तुम कौन हो? मैं कि मैं चाची हूँ। फिर बोलते कि ठीक है क्या चाहिए? मैंने कि मुझे लड़का चाहिए। बोले ये देखना बन्ने को तो धरा ही है, मैं आप लोगों ने कुछ कर दिया तभी तो बन्ने को धरा ही है, वहाँ पे उल्टी करता है वो लड़का, उल्टी बोला इसकी साफ करना उल्टी। मैंने कहा हाँ मैं साफ करके जाऊंगी उल्टी आँखें इसकी, चिंता मत करो। फिर उन्हें वो लिखवाते हैं प्रार्थना पत्र में, मैंने लिख देते हैं प्रार्थना पत्र के बाद में ये छोड़ते हैं, तो उन्होंने इसका कंबल धो, मैंने कंबल धोया उसका, कंबल धोने का मुझसे कहते हैं पैसे दो, हाँ अंदर बिठा रखा था, फिर पैसे मांगते, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं है बिल्कुल भी, बोले नहीं पैसे तो दो, चाहे ना था कुछ तो दो, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेरी दुकान है बस, कह लो क्या करते, मैं दुकान है मेरी कपड़ों की, बोले ठीक है हम दुकान पर आएंगे आपसे कपड़े लेंगे, मैं हाँ अकेले बताना भाई को लेके आना, मैं अकेले किसी को नहीं दूंगी। फिर बोलते ठीक है, फिर वो लड़के के फोन था, उसमें फोन में थे वो देखने लगे, तो देखे तो उसमें 1000 रुपए थे, 1000 में से 500 रुपए धर लेते, 500 वाले हमारी चाय नाश्ते और 500 रुपए लौटा देते, हम बाहर निकल के आते, वो लड़का ऐसे तेज, कितने लोग थे मौजूद काफी जने था, अब इतना तो देखो थाने में ये थोड़ा काफी लोग होते हैं, उससे पहले मैं खुद लड़ाई हुई थी, तो मैं इतना सब करवा दूंगी क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, उनको बुलवाओ अभी, आप क्या चाहती हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा हमें ये चाहिए, वो आप तो चाहिए, अब तो इंसान तो गया, और ये बच्चे को लोगों के अंदर मौजूद थे सबको सस्पेंड, और जिसने मारा सबको बर्खास्त, बर्खास्त, उन सबको।
सुबह गुटके को लेकर मारपीट हुई, सिपाही ने मारपीट की, उपचार के दौरान युवक घायल हुआ। ये कल की घटना है, कल शाम को करीब 5 बजे करीब कांस्टेबल योगेंद्र जो कि फिरोजाबाद पुलिस लाइन में अभी कार्यरत है और राहुल बंसल जो कि एक छोटा सा गुटके की अपनी दुकान लगाता है यहीं पे थाना हाईवे सेक्टर के अंतर्गत रेलवे फाटक के पास, इन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर गुटके के पैसे को लेकर एक अल्टरकेशन हुआ, झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में मारपीट हुई। उसके बाद जो राहुल बंसल है उन्हें डीआरवी है थाने पर ले गई और यहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उनको उनके फैमिली वाले तुरंत से अस्पताल ले गए, वहाँ से उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया था और आगरा रेफर करने के बाद आज जब उनकी फैमिली वापस उन्होंने तहरीर दी, उसके अंतर्गत जो तहरीर दी गई है वो अमित जो उनके भाई उर्फ रिंकू है जो कि मौके पर उस समय वहाँ मौजूद थे जब ये लड़ाई दोनों के बीच में हुई थी, दोनों के द्वारा लिखित तहरीर दी गई है कि उनके भाई को योगेंद्र ने काफ़ी मारा जिससे उनको काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई और उसके वजह से उनको आगरा रेफर कर दिया गया। उसी के आधार पर थाना हाईवे के अंदर मुकदमा 308 के अंदर लिख दिया गया था। बाद में जब पता चला कि जो राहुल बंसल हैं उन्होंने अपनी इंजरी के कारण उन्हें दम तोड़ दिया है तो उसको 304 में टर्मिन किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सिपाही के खिलाफ कुछ कार्रवाई? हाँ, SSP फिरोजाबाद को भी बता दिया गया है कि जो ये कांस्टेबल योगेंद्र है उसको डिटेन करें, साथ ही साथ उसकी कॉल लोकेशन वगैरह को ट्रेस किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।